भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद और हिंदी सिनेमा कलाकार कंगना रनौत ने अपने बयान पर यूटर्न लेते हुए एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में कहा है, मैं कृषि कानूनों के संबंध में अपनी पार्टी के साथ खड़ी हूं और मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। कंगना ने कहा, मुझे पिछले कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे कृषि कानून पर सवाल किए और मैंने कुछ सुझाव दिए कि किसानों को पीएम से कृषि कानून वापस लाने का निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत लोग निराश हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब कृषि कानून आए थे तब हम बहुत सारे लोगों ने इसका समर्थन किया था। बाद में हमारे बड़ी ही संवेदनशीलता से कृषि कानूनों को वापस ले लिया और ये हम सभी कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा बनाकर रखें। कंगना रनौत ने कहा, मुझे ये भी ध्यान रखना होगा कि मैं अब कलाकार ही नहीं हूँ बल्कि बीजेपी कार्यकर्ता भी हूँ। मेरे ओपिनियन अपने ही नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। अगर मैंने अपने शब्दों या सोच से किसी को निराश किया है तो मुझे खेद है, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। आपको बता दें, कंगना रनौत अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। हिमाचल प्रदेश में अपने निर्वाचन क्षेत्र मंडी में पत्रकारों से बात करते हुए कंगना ने कहा था, मुझे पता है कि यह बयान विवादित हो सकता है, लेकिन तीन कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए। किसानों को खुद इसकी अब मांग करनी चाहिए। कंगना ने तर्क दिया कि तीनों कानून किसानों के लिए फायदेमंद थे, लेकिन कुछ राज्यों में किसान समूह के विरोध के कारण सरकार ने उन्हें वापस ले लिया है। उन्होंने कहा, किसान देश के विकास का एक स्तंभ है। मैं उनसे अपील करना चाहती हूं कि वे अपने भले के लिए कानूनों को वापस लाने की मांग करें। इसके अलावा जैसे ही कंगना का यह बयान सोशल मीडिया पर सामने आया तो विपक्ष पार्टी कांग्रेस ने भी इस पर पलटवार किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कंगना का इस वीडियो को अपने ऑफिशियल हैंडल पर शेयर किया। उन्होंने लिखा, किसानों पर लादे गए तीन काले कानून वापस लाने चाहिए। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने ये बात कही। देश के 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, तब जाकर मोदी सरकार की नींद टूटी और ये काले कानून वापस हुए। वहीं कांग्रेस ने आगे लिखा, अब बीजेपी के सांसद फिर से इस कानून की वापसी का प्लान बना रहे हैं। इन काले कानून की वापसी अब कभी नहीं होगी, चाहे नरेंद्र मोदी और उनके सांसद जितना भी जोर क्यों न लगा दें।